चलिए हम लोग यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। और रिफरेंस है आज की क्लास, आपको एमएस वर्ड रिफरेंस में होगा। और रिफरेंस में आपको यहाँ पे दिए गए हैं टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट ये सारी चीज़ें आपके ग्रुप हुए, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट ये यहाँ से यहाँ तक ये ग्रुप है, फुट नोट ग्रुप हुए, उसके बाद यहाँ सिटिलाइजेशन एंड बिलियोग्राफी ग्रुप हुए, फिर यहाँ पे कैप्शन ग्रुप हुआ, इंडेक्स ग्रुप हुआ, फिर टेबल ऑफ ऑथराइटेस्ट यहाँ पे ये ग्रुप हुए। तो ये सब आपको रेफरेंस के अंतर्गत आपको छः ग्रुप है। अब ग्रुप से यहाँ से स्टार्ट करते, शुरू से ग्रुप पढ़ने की चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में। टेबल ऑफ कंटेंट्स में होता क्या है, सबसे पहले चीज़ें हैं कि इसमें आपको हेडिंग बनाना होगा। तो एक पेज हम छोड़ देते हैं बाबू, पेज ब्रेक करने के लिए हम इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे दिया गया है पेज ब्रेक। हमने पेज ब्रेक कर दी, एक पेज छोड़ के दूसरे पेज पे आ गए, यहाँ टू पेज भी आपको दिखा दिए। आप लोग गौर से देखिए और जैसे जैसे बता रहे हैं आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान से आपको समझ में ज़रूर आएंगे। और उसके बाद इसमें हम नाम लिखते हैं कि कौन सा विषय का आपको विषय सूची बनाना है। जैसे आप कोई चीज़ जैसे कंप्यूटर पढ़ा रहे थे, कंप्यूटर में जैसे हम यहाँ पे पढ़ाते हैं नोट पैड फर्स्ट में, तो नोट पैड हमने लिख दिया। और फिर पेज ब्रेक कर देंगे दूसरे पेज पे, दूसरे पेज में विषय सूची है आपको वर्ड पैड, वर्ड पैड। फिर तीसरे पेज में हमको यहाँ से जाना, फिर यहाँ पे जाए माउस का लेफ्ट बटन के ले किए, तीसरे पेज में हम कर दें यहाँ पे एमएस पेंट, हमने कर दिया। फिर चौथा बनाना हो इसी तरह बना, अब चलते हैं इस तरह तो हम क्रिएट कर लेंगे, लेकिन इसमें हेडिंग भी बनाना होता है जो कि इम्पोर्टेंट है। होम पे जाएंगे और होम पे जाने के बाद हम यहाँ पे होम पे जाने के लिए माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, हमने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दिए और लेफ्ट बटन क्लिक करें तो ये हेडिंग है। ये सारी चीज़ें आप किस हेडिंग में रखना चाहते हैं, हेडिंग वन रखना है तो इस तरह हो जाएंगे, हेडिंग टू रखना है तो इस तरह हो जाएंगे, टाइटल की तरह रखना तो इस तरह हो जाएंगे, सब टाइटल इस तरह रखना, तो जिस तरह हेडिंग रखना है, हेडिंग वन बनाना तो हेडिंग वन बनाइए या टू बनाना है तो आप टू बनाइए, हेडिंग वन इस तरह दिखेंगे या हेडिंग टू इस तरह दिखेंगे। तो हम हेडिंग वन ही कर देते हैं सबको, तो हेडिंग वन बना दिए भाई, इसको भी हेडिंग वन कर देते हैं। जब तक आप हेडिंग नहीं बनाइएगा जब तक आपको वहाँ पर काम नहीं करेगा, तो हेडिंग सब में हम हेडिंग बना दिए। अब चलते हैं यहाँ पर जो पेज हमने छोड़े थे वन पेज पर, हमने आके यहाँ पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद हमने रेफरेंस पे जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आपको पढ़ना है टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंतर्गत, इस पे जाएंगे और इस एरो पे हमने क्लिक करेंगे। अब हमने हेडिंग बनाए थे तीन, तो लेना भी पड़ेगा तीन का ही, तो हमने तीन का यहाँ पर ले लेते हैं, वन टू थ्री, इसको हमने ऐसे करके इस पर क्लिक कर दिया। जैसे हमने माउस का लेफ्ट बटन इस पर क्लिक किए तो टेबल ऑफ कंटेंट्स मेरे पास बन के तैयारी हो गया, यानी इसको हम विषय सूची भी बोल सकते हैं, जैसे किस पार्ट में किस पेज में कि कौन सी है। तो इस साइड में होते हैं पेज नंबर होते हैं और इसे पार्ट का नाम होता है। नोट पैड आपको कितने नंबर पेज में मिलेंगे, दो नंबर पेज में मिलेंगे। वर्ड पैड कितने नंबर पेज में मिलेंगे, तीन नंबर पेज में मिलेंगे। एमएस पेंट कितने मिलेंगे आपको, चार नंबर पेज में। अब हमको किसी लड़का को पढ़ना है भाई, अगर वो चाहता है वर्ड पैड पढ़ना तो वर्ड पैड पर जाना, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मेरा वर्ड पैड पर हम चले जाएँगे। तो कैसे हम क्लिक करेंगे, इस पर हम जाएँगे और देखिए यहाँ पर दे रहा क्लिक प्लस कंट्रोल प्लस क्लिक, तो यहाँ पे कंट्रोल दबेंगे, देखिए इस तरह के सिंबल बन गए। वर्ड पैड में जाना तो वर्ड पैड पर हमने क्लिक कर दिया तो वर्ड पैड वाले बटन पे हम आ गए। तो देखिए गौर से तबे समझ में आएंगे, फिर हम स्क्रॉल करके हम जा सकते हैं वहाँ पे। और कोई कहेगा मुझे जाना है यहाँ पे एमएस पेंट में, तो एमएस पेंट पर हम आ गए, कंट्रोल दाब के हमने क्लिक किया चार नंबर पेज पर, फोर ऑफ फोर। चलिए हमने ऐसे करके, इसी का नाम है कंटेंट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इसमें किसी कोई दिक्कत, अब कोई कहता है कि जैसे हम यहाँ पे नोट पैड आ गए, अब इसमें कहता है नोट पैड पूजा राजा राम निवास, कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी हम लिख दिया, लेकिन यहाँ तो शो नहीं ना कर रहा है, इसीलिए हमको करना होगा अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन, यहाँ पे अपडेट द एंट्री टेबल, अगर एंट्री टेबल ये तो एंट्री टेबल, अपडेट द पेज नंबर में अगर करना है तो हम यहाँ से पेज नंबर को हम यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से अपडेट कर दिए आपको पूजा राजा राम निवास।
तो ऐसे करके इसको चेंज कर सकते हैं। अगर यही चीज़ अगर कंट्रोल इंटर यहाँ पे कर दे, कितने नंबर पेज में आ गया, 3 नंबर पेज में, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर हो रहा है, तो फिर इसे हमको अपडेट करना है इस पे पेज नंबर, तो 3 नंबर पेज हो गया। तो आपको जो भी अपडेट करना है यहाँ से दोनों ऑप्शन से आप अपडेट कर सकते हैं कि जिसमें करना है उसमें। आया समझ में? तो अब चलते हैं, यहाँ पे लेवल कह रहा है ऐड टेक्स्ट। भाई आपको वन में टेक्स्ट करना है, लेवल 2 में करना है, तो ये 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, लेवल 3 जितने भी बनाएंगे, डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे लेवल यहाँ पे बनता चला जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 बनेगा, 5 रखेंगे तो 5 बनेगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, आप लोग कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होगा फिर कॉल या मैसेज कीजिए, नंबर आपको दिया गया है, फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं आपको इंसर्ट फुट नोट। अब चलते हैं, हम फुट नोट की बात करेंगे और एंड नोट की, और नेक्स्ट फुट नोट और शो नोट। तो हम इस ग्रुप का नाम है फुट नोट्स, तो फुट नोट्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, इसे हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये हम समझ गए, तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट और डिलीट बटन दाब दिए, टोटल डिलीट हो गए। अब चलते हैं फुट नोट, यहाँ पे इंसर्ट, अगर इंसर्ट मतलब लाना, अगर आप यहाँ पे लाना चाहते हैं फुट नोट को तो आप ला सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की वहाँ पे दे रहा है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, उसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, इसे ला सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं माउस का लेफ्ट बटन, तो यहाँ पे हमने दाब दिया और दाबे, देखिए यहाँ पे ये मेरा फुट नोट हो गया। देखिए बाबू फुट नोट क्या होते हैं, देखिए जितना एक एक करके आ रहे हैं ना, जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार ये लगता चलेगा। देखिए हमने क्लिक करे, ये है मेरा फुट नोट, जो कि नीचे आप किसी का नाम चाहे नंबर आप चाहे तो लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ से चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद हमारे जो कीबोर्ड है नंबर लॉक था इसलिए नहीं उठा था, यहाँ पे 1 2 3 4 भी करना या नाम लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसको फुट नोट बना सकते हैं, जितना भी फुट नोट चाहिए उतना फुट नोट आप बना सकते हैं। अब कहता है नेक्स्ट फुट नोट, ये वो फुट नोट लास्ट वाला पे चले गए बाबू, अब नेक्स्ट में जाना है, तो नेक्स्ट में आ गए। अब यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट फुट नोट, प्रीव्यू फुट नोट और नेक्स्ट एंड नोट। अब एंड नोट जो देले हैं हम एंड नोट पे थोड़ा क्रिएट कर लेते हैं, तो इन ये लास्ट में है तो एंड नोट ऊपर चल जाएगा भाई, देखो ऊपर आ गए, ऊपर आए, तो जितने में एंड नोट लगाना है भाई तुम एंड नोट लगा लो यहाँ से, तुम्हारे ऊपर काम करेगा एंड नोट, जितना भी लगाना है यहाँ से तुम लगा सकते हैं। नोट लगा तो जितना भी लगाना है इंड नोट और फूड नोट लगा सकते हैं, और यहाँ पे फूड नेक्स्ट इंड नोट यहाँ से, अगर यहाँ पे फूड नोट में नेक्स्ट में जाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट में जा सकते हैं, जिसमें जाना है अगर प्रीव्यू फूड नोट में जाना है तो प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें बता दिए। अब यहाँ पे शो नोट्स, अब देखा किसको शो करना है भाई, फूड नोट को कि इंड नोट को, तो इंड नोट के करना है या फूड नोट को, तो फूड नोट में नीचे वाला है भाई, इंड नोट ऊपर वाला है, तो यहाँ पे हमने शो कर दिया। और एक बार शो करेंगे इन नोट फुट नोट, जिसे भी आपको शो करना है उसे आप कर सकते हैं, हमको इन नोट करना है तो नीचे आ गया इन नोट। अब नेक्स्ट करें, यहाँ पे नेक्स्ट में चले जाओ भाई, यहाँ पे देख रहे हैं आ रहा है, यहाँ पे क्लिक, अगर इसके माध्यम से आप जानना चाहते हैं देखिए आ रहा, तो जितना भी चाहें आप उतना भी ले सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं और इससे भी ले सकते हैं। तो ये रहा मेरा फुट नोट के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिटिलाइजेशन एंड बिलियोग्राफी, इसके बारे में जानेंगे। अब इसके कंट्रोल डाब के हम डिलीट कर देते हैं, टोटल हमने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं आपको, हम चलते हैं इसमें क्रिएट करना पड़ता है बाबू, ऐड न्यू सोर्स पे हम क्लिक करेंगे, क्या करेंगे ऐड न्यू सोर्स पे, हमने यहाँ पे गए और ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक किए, तो इस तरह से क्या हुआ मेरा एक बॉक्स खुल गया। अब ये बॉक्स खुले तो इस बॉक्स पे हम गए, बुक बनाना है, बुक का निर्माण करना है तो बुक बनाइए, फिल्म का करना है तो फिल्म को सेलेक्ट कीजिए, बुक सेक्शन करना है तो बुक सेक्शन कीजिए, सिर्फ बुक करना है तो बुक कीजिए, उसके बाद आपको रिपोर्ट बनाना है तो रिपोर्ट सेलेक्शन कीजिए,
जो भी बनाना है उसको आप टिक कर लीजिए, मुझे बुक बनाना है भाई, तो मैं बुक यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑथराइज दे रहे हैं, तो ऑथराइज पे अगर आपको हमको क्लिक करना है तो एच पे ऑथराइज पे जाएंगे और यहाँ पे नाम लिखना है हमको, तो ऑथराइज पे गए और यहाँ पे नाम लिख दिए, जैसे सोहन कुमार ऑथराइज नाम सपोर्ट एट हम ये डाल दिए। अगर इसमें अगर इसको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, टिक करेंगे इसमें आ जाएगा। और एडिटिंग भी इसमें आप कर सकते हैं, एडिटिंग करने के लिए भी यहाँ पे दे रहा है लास्ट नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम, इसमें जो भी डालना आप डाल सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने डाल रहे हैं मोहन, लास्ट नेम हो जाएगा प्रसाद, यहाँ पे फर्स्ट नेम मोहन, मिडिल नेम कुमार, मोहन कुमार प्रसाद। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर दिए बाबू, तब किसको तुमको ऐड तो कर दिए, नाम भी लिख दिए, सारे चीज़ बता दिया, ये क्लोज और ये कैंसिल का मतलब बॉक्स कट जाएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, नाम अलग है, ओके मतलब सारा सेटिंग ओके हो जाएंगे। देखिए अब ये कहता है दोनों नाम में से किसको ऊपर रखना चाहते हैं, जैसे कुमार सुमन है तो इसको कर दो भाई डाउन, तो नीचे आ गया, इसको कर दो ऊपर, डिलीट करना है तो डिलीट करो, अप डाउन हो गया, डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से आप ओके कर दीजिए इसको, यहाँ से हमने ओके कर दिया। देखिए इसमें टोटल दाम आ गए। अब उसके बाद इसमें टाइटल आप क्या देना चाहते हैं, जैसे गुप्ता कोई टाइटल लगाया, कोई राज लगाया, जो भी आपको लगाना यहाँ लगाया। ईयर कौन सी ईयर में इस बुक को आप इशू करना चाहते हैं, तो 2000 हमको 22 डालना। किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो तिहारी या पटना, जो भी डालो पटना डाल देते हैं, पटना डाले। पब्लिकेशन क्या रखना चाहते हैं, कुछ भी जो पब्लिकेशन आप रखना चाहें। और यहाँ से शो वीडियोग्राफी अगर करनी है तो आप यहाँ से टोटल देख सकते हैं क्या क्या आपने फिल किया, मिला सकते और कुछ भी डालना चाहें, ट्रांसलेटर का नाम देना चाहें तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, कमेंट चाहें तो कमेंट कर सकते, ऐसे करके हमने ओके कर दिया। तो यहाँ पे क्या है इस तरह से खुल गए और ये सारे चीज़ें हाईलाइटेड हो गए। तो यहाँ से हमने क्रिएट करने के लिए बताया जो कि इसमें है, इस पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा भी रहा, ऐड न्यू सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, ऐड न्यू ये आपको प्लेस होल्डर दे रहे हैं, तो पहले से होल्डर पे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ ये नाम देना है। तो इसमें नाम अपना से लिखना चाहते तो नाम नहीं तो इसी तरह रहना है, तो इसी तरह तो पहले से होल्डर के नाम से इन्होंने बताया। यहाँ पे सर्च लाइब्रेरी, जैसे क्लिप आर्ट में किसी का फोटो वगैरह चाहे किसी का मीनिंग के बारे में आपको सर्च करना है तो यहाँ से लिख के और इंटर डालने, तो बुक के बारे में आपको बताएंगे वैल्यू क्या क्या बुक होते हैं, यहाँ पे ऑल करेंगे तो और भी आपको रेफरेंस होंगे, चार्ज करनी है चार्ज करना, रिपोर्ट करना उसके बारे में यहाँ से बताएंगे। तो ये रहा मेरा इसके अंतर्गत वाले सर्च लाइब्रेरी के बारे में। अब यहाँ मैनेज सर्च क्या होते हैं इस पर देख ले, मैनेज सर्च पे गए और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे मैनेज सर्च आपको दिखा रहे हैं। और मैनेज सर्च में देखो बाबू, इसमें आप चाहें तो वही चीज़ यहाँ आ गया, मैनेज सर्च कुमार मोहन प्रसाद मोहन कुमार गुप्ता, इसे आप चाहें तो एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइटेड है, लेकिन हे पर क्लिक कर दीजिएगा तो क्या होगा, इसे आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें ब्राउज में हमने गया, सर्च में गया, लेकिन इसी पे हम क्लिक कर, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, लेकिन इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आ जा रहे हैं। तो इसमें हमने गया, इसे एडिटिंग करना है भाई, तो आप एडिटिंग कर सकते हैं, हट जा रहा है, तो यहाँ से हम एडिटिंग कर देते हैं इसको। देखो सारा चीज़ आ गया, जो भी डाले थे टोटल चीज़ आपको यहाँ दिखना, तो आप एडिट करना चाहते हैं हटा कर दूसरा नाम 2021 लिखना चाहते हैं आप लिखकर यहाँ ओके कर दीजिए, तो 2021 हो जाएंगे आपको, 21 हो गया यहाँ पे 22 था। चलिए न्यू बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप न्यू करके बना सकते हैं, और चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, इसे हम क्लोज कर देते हैं, इसका यही काम है। चलिए क्लोज हमने कर दिया। अब उसके बाद सर्च में भी हम लोग देख लिए, और इसका स्टाइलिश अगर चेंज करना है शॉर्ट है, देखिए इसका चेंज हो गया, ये सब स्टाइलिश है, किस स्टाइलिश में आपको रखना चाहते हैं, जिस स्टाइलिश में आप रखना चाहते हैं, देखिए चेंज हो गया। वीडियोग्राफी के बारे में आपको दिखाएगा, ये जो बनाए हैं इसके बारे में देखिए,
कुमार सोहन बिलियोग्राफी कर दिए इन्होंने, यहाँ पे ये बताना स्टार्ट कर दिया। जैसे मान ली कि हमको बिलियोग्राफी में देखना है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, दिखाने लगा कुमार सोहन, मोहन, रोहन, जो भी तुम डाली हो या डाले हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से करके आपको क्या हुए, सिटेशन एंड बिलियोग्राफी कंप्लीटेड हो गया। अब चलते हैं हम कैप्शन के अंतर्गत, इंसर्ट कैप्शन होते क्या हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें हैं कि जो बना है उसको ऑल सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट वाले बटन हमने दाब दिया तो ये डिलीट हो गए। इंसर्ट कैप्शन का काम क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ जाते हैं। इंसर्ट कैप्शन का मतलब होता है कि किसी बुक में आप कोई मैथ बनाते हैं या कोई कहानी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखता है इसकी व्याख्या 1.2 वाले फिगर में की गई है। जैसे यहाँ पे हम कोई चीज़ लिख लेते हैं, जैसे कुछ भी यहाँ पे हम वर्ड 2007 लिख दिए और इसमें हम कर देते हैं इसकी इसकी दे 1.1 में किया गया है। तो यहाँ पे हमने कर दिया और यहाँ पे कोई फोटो पहले लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर पे गए और यहाँ से कोई भी पिक्चर हमने ले लिया। हमने ले लिया और इसे हमको सेव कर देना। सेव कर रहा है कहाँ, पिक्चर में। अब इसको हम कट कर देते हैं। अब आते हैं अपने इस जगह, पिक्चर में गया और कहाँ पे हमने किया था अभी सेव, पिक्चर में। तो पिक्चर पे हम यहाँ पे आ गए, यहाँ से इंसर्ट कर दिया। अब इसे छोटा करना है, छोटा कर दिया, यहाँ पे। अब उसके बाद रेफरेंस पे जाते हैं और आपको हम बताते हैं इंसर्ट कैप्शन, इस पे हम आ गए। लेकिन इसकी व्याख्या 1 में की गई है, 1 पॉइंट में नहीं, 1 पिक में। अब ये उल्टा हो गया, इसको हमको सीधा करना है। अब सीधा हो गया और इसको रिफरेंस में यहाँ से ओके कर दीजिए। फिगर 1 में हो गया, पिक के जगह पे आप फिगर डाल दीजिए। हो गया, यही इंसर्ट कैप्शन है। फिर नेक्स्ट नीचे आप लगाएंगे दूसरा फोटो तो दूसरा पिक्चर लगा लीजिए, कुछ भी। इस पिक्चर को छोटा कर देते हैं और इसके नीचे अगर लगाना, इंसर्ट कैप्शन फिगर नंबर 2। इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, उसमें मिलते रहेंगे इंसर्ट कैप्शन। अब इसमें कहता है टेबल ऑफ फिगर्स, 2 लगाए तो 2 का आपको कहाँ रखना है भाई, इसके नीचे रखना है तो नीचे भाई आ जाओ, मार्कर इंटर नीचे आ गया। 2 का तो ओके कर दो भाई, दोनों के बारे में दिखा दिए कितना नंबर पेज में कौन सी पिक्चर है। यहाँ पेज नंबर दिखा रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक नंबर ही पेज में है।
तो एक ही नंबर पेज में ना दिखाएंगे, दो नंबर, तीन नंबर, दस नंबर पेज में थोड़ी दिखाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ये आपको दिखा दे, अपडेट टेबल आपको बताए हैं यहाँ पे, क्रॉस रेफरेंस आपको इंसर्ट में हम पढ़ाए हैं, जो कि यहाँ क्रॉस रेफरेंस है। तो ये दोनों सब कंप्लीटेड, कोई दिक्कत। यहाँ पे इंट्री, मार्क इंट्री आपको यहाँ पे भी हम बताए हैं, जो कि यहाँ पे इसी का नाम है जी। शो और हाइड, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मार्क इंट्री पे, चाहे यहाँ से आप क्लिक कर लीजिए। कहाँ लगाना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टू के पास लगाना है, चाहे एफ के पास लगाना है, तो लगा दीजिए भाई। तो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या हुआ, मार्क यहाँ पे लग गया, लेकिन मार्क तो हम यहाँ से लगा दिए भाई, लेकिन जहाँ जहाँ इंटर मारिएगा वहाँ यहाँ आपको मार्क लगा रहेगा, एफ रहेगा, जहाँ जहाँ भी लगेगा, लेकिन मार्क यहाँ से बाबू हटा नहीं सकते हो। देख लो, आप एफ भी दाब दो फिर भी नहीं हटेगा, नहीं ना हटा और ही लग गया। तो मार्क यहाँ से हम लगा सकते हैं, मार्क साइटेशन भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ऑल मार्क यहाँ से देखिए, जितने भी क्लिक करेंगे उतने आएंगे, नेक्स्ट करनी है नेक्स्ट आएंगे, यहाँ से इसको क्लोज करना क्लोज कर देंगे। तो ऐसे करके हम मार्क लगा सकते हैं, ये दोनों का, दोनों सिटेशन कीजिए या ये कीजिए, और टेबल यहाँ से कर दीजिएगा ऑल टेबल, तो ऑल टेबल आपको दिखने लगेंगे। अब मार्क हम कैसे हटाते हैं उसको हम दिखाते हैं। होम पे आ जाएंगे, ये जो मार्क लगा है यहाँ से हट जाएगा, टोटल का टोटल मार्क आपको हट गया। देखिए हटा मार्क, जैसे हम क्लिक किए मार्क हट गया। अब हम चलते हैं मेनिंग्स, यहाँ पे दिए गए हैं इसके अंतर्गत कि मेनिंग्स का काम होते क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। और इसमें आपको क्रिएट ग्रुप जो दिए गए हैं इसके बारे में, तो इसे ऑल सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, इन्वॉल्व वगैरह, जैसे किसी को आप कोई कार्ड वगैरह देते हैं उसमें आपको इसका काम आएगा। जैसे देखिए इन्वॉल्व वगैरह की ज़रूरत पड़े, कुछ भेजते हैं तो डिलीवरी वाला एड्रेस आपको इसमें डालना होगा, जैसे कोई सामानें भेज रहे हैं जिसके पास भेजना है उसका नाम इसमें, जैसे यहाँ पे हमको पूजा कुमारी के पास भेजना है, इसका विलेज कहाँ हो गया मोतिहारी, चाहे डाल देते हैं, चाहे छतौनी पीओ डाल देते हैं, छतौनी पीएस डाल देते हैं, छतौनी अगर डिस्ट्रिक्ट डालना है तो आप डाल सकते हैं, जो भी डालना, नहीं डालना तो ईमो नंबर मोबाइल नंबर देना जरूरी है, मैं अपना ही नंबर देते हैं 8375-9152। अगर हम भेज रहे थे, अगर वो आदमी रिसीव नहीं करता है तो हम अपना एड्रेस इसलिए दिया जाता है कि मेरा सामान मेरे पास सुरक्षित आ जाए। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस इसके कंप्यूटर सेंटर ऐड हो जाएंगे, इसका भवानीपुर जिरात मोतिहारी महिला कॉलेज मोतिहारी, पीओ हो जाएंगे इसका भी छतौनी पीएस छतौनी। क्या है इसका मतलब, क्या हुआ किसका, मतलब कुछ भेजना है, एड्रेस हुआ ऊपर वाला, फिर ये आपके पास हम भेज रहे हैं तो यहाँ पे आपका एड्रेस डाल दिए, कुरियर के माध्यम से हम भेजेंगे ना तो उस पे लिखते ना है लिफाफा के ऊपर, तो वो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको डाल देंगे तो वो आपके पास चला जाएगा लेकर। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे हमने डाल दिए, और यहाँ से देता है प्रिंट करके, आप इसको वहाँ पे साट कर आप भेज सकते हैं। तो प्रिंट के माध्यम से आप प्रिंट कर, ऐड टू डॉक्यूमेंट करना है
तो ऐड डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। ऑप्शन में जाके आप जो ई पासपोर्ट पेपर पे आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेबल देख लेते हैं, जो कि लेबल यहाँ भी पढ़ना है, यहीं पढ़ लेंगे वहाँ भी आपको काम दे देगा। यहाँ पे लेबल है, ये रिटर्निंग का दे रहा है, यहाँ पे रिटर्निंग एड्रेस देखना, देखें नहीं तो सिर्फ ये भेज रहे हैं जिसके यहाँ रिटर्निंग देखना है, इस पर टिक करेंगे तो रिटर्निंग में मेरा है तो मेरा आ जाएगा, इसके कंप्यूटर इसको हटा देंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हम क्लिक कर देंगे तो इस तरह से पेपर में किस पेपर में कितना चौथाई कितना लंबाई आराम से करेंगे मेरा हो जाएगा, ठीक है। क्लोज कैंसिल तो जानते ही हैं, प्रिंट करना है भाई तो आप प्रिंट कर लीजिए, तो यहाँ से आपको प्रिंट वाला कमांड आपको मिल जाएंगे, यहाँ से देखिए, नहीं करना है कैंसिल कर दीजिए। तो ऐसे हम इसको करते हैं प्रिंट, देखिए अब वो ख़त्म हो चुका, और यहाँ से हम डिलीट इसको कर देते हैं। तो प्रिंट करना है तो उस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे इनवॉल्व में क्लिक करके, जैसे यहाँ पे पूजा कुमारी मोतिहारी लिख दिए, इसमें लिख दिए इसके कंप्यूटर सेंटर, तो आगे तो हम लोग देख लिए थे, उसके आगे हम देखते हैं। अब ऐड टू डॉक्यूमेंट करते हैं, तो ऐड टू डॉक्यूमेंट यस देखिए आ गया। अब इसको प्रिंट करके आप वहाँ पे सट दीजिए और भेज दीजिए, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिए ना। उसी तरह ये सारे चीज़ें बनानी हैं आपको मेनिंग्स में, लेवल है सेम लेवल जो वहाँ बताएं वही लेवल यहाँ पे भी है। एड्रेस रिटर्निंग देखना है तो रिटर्निंग देखिए भाई, दिखाया हटा देना है तो हटा दो, ठीक है। ऐड डॉक्यूमेंट ऑप्शनली करनी है तो कौन सा पेपर चाहिए वो पेपर देख लो, इस तरह से पेज पे चाहिए तो इस तरह से पेज पे आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं सेलेक्ट करना है यहाँ से, तो आपको यहाँ से न्यू टाइप लिस्ट आपको बनानी है, जो कि टाइटल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, चलिए यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है न्यू एड्रेस लिस्ट, यहाँ पे दिए गए हैं नाम, टाइटल नेम जैसे हम यहाँ पे राज रख लिए, और इसका फर्स्ट नेम कुमार और लास्ट नेम राजकुमार प्रसाद, यहाँ पे कंपनी नेम हो गया टाटा कंपनी में काम करता है, एड्रेस हो गया इसका मोतिहारी, दूसरा का एड्रेस हो गया भवानीपुर जिरार, यहाँ पे सिटी हो गया पटना, चाहे मोतिहारी लिखना है मोतिहारी, मेरे स्टेट हो गया बिहार, जिप कोड हो गया 84 54 01, कंट्री हो गया इंडिया, और होम टू वर्क आपको डालना है जहाँ काम करते हैं तो वहाँ का वर्क नंबर डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे हमें डाल देना 43 46 15, अपना पर्सनल फोन वर्क नंबर फ़ोन नंबर आई घर वाला फ़ोन नंबर डालना है तो मैं वर्क वाला डाल दीजिए 82 52, ईमेल आईडी डालना है तो आप यहाँ से डाल दीजिए संतोष कुमार 84 54 18@gmail.com, इस तरह से फिर नीचे बनाना है जैसे रीमा कुमारी सिंह टाटा कंपनी में काम करती है, मोतिहारी में काम करती है, भवानीपुर गुजरात में घर है, पटना सिटी हो गया, फिर उसी तरह बिहार स्टेट, फिर 84 54 01, इसका भी वही सेम है, किस कंट्री से है इंडिया 43 44 15, वही थोड़ा लिखा है दूसरा बन रहा है, जगह बनाना आप जगह बना सकते हैं 84 54 18@gmail.com, फिर और बन गया तो जितना बनाना बना सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, आप यहाँ से एंट्री करना है फाइंड कर सकते हैं, कस्टमाइज कलम भी कर, यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये सारी चीज़ हाईलाइटेड हो जाएंगे, देखिए सेव करने के लिए कह रहा है सरोज, ऐसे ओके कर देंगे, हो गया हाईलाइटेड। अब देखिए हमने यहाँ से बना लिया, अब इसको यूज करना भाई, सरोज नाम से किए थे, अब देखिए सब हाईलाइटेड हो गया, यूज कर लिए, अब इसके यूज कर लिए, इसके बाद सेलेक्ट फ्रॉम द आउटलाइन कंटेंटेंट करनी है, ये आपके जब मेल पर आएंगे हॉटमेल तब आपको बताएंगे
देखिए यहाँ पे मेल दे रहा है मेल आइकॉन। अब यहाँ पे एडिटिंग रिस्पेंस लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सरोज था एक सरोज, यहाँ पे रीमा कुमारी सिंह था। तो इस सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और इसमें शॉर्ट फिल्टर वगैरह लगाना है तो आप कर सकते हैं। शॉर्ट करना है तो भाई यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं, सारे कॉलम दिए गए हैं कि नहीं, नहीं करना है तो मत कीजिए। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं इस तरह करके। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं एड्रेस, यहाँ पे अगर इसमें टाइटल लेना है तो टाइटल लीजिए, फर्स्ट नेम लेना है फर्स्ट नेम, लास्ट में एड्रेस टू एड्रेस वन, जो जो चीज़ इसमें से लेना है इस डॉक्यूमेंट में से आप यहाँ से टिक करके निकाल लीजिए इसको। हाँ हाँ ये सब ले रहा है, ईमेल आईडी सब एक बार ले लो पहले, इसका काम है यहाँ से ले लेना, ठीक है। यहाँ से क्लोज कर लिए हम, ले लिए तो भाई रूल्स में चले जाएंगे। आस्क लगाना तो भाई आस्क लगाइए, नहीं लगाना तो मत लगाइए। मैच फिल करना है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नाम को ऊपर रखना चाहते हैं या लास्ट नाम को, फर्स्ट नाम में किसको मैच करना है टाइटल में या जो भी, आप यहाँ से नो करना है तो मत कीजिए भाई, यहाँ से ओके कर दीजिए आपका हो जाएगा। मैच फिल भी अपडेट टेबल बताए हैं। ग्रिड लाइन से हम देखते हैं, ग्रिड लाइन यानी डियर मिस्टर लगाना नाम क्या कहते हैं, यहाँ से आप लगा सकते हैं डियर या मिस्टर, ग्रिड लाइन भी आप लोग जान गए। डियर वगैरह जो भी लगाना है आप टू लगा सकते हैं। अब उसके बाद एड्रेस ब्लॉक करना है यानी ब्लॉक, तो आप यहां से ब्लॉक कर सकते हैं। देखिए ब्लॉक हो गया एड्रेस, जब ब्लॉक पे करेंगे तो टोटल दिखने लगेगा जो जो चीज़ है। और यहां पे एड्रेस ब्लॉक पे करने वाले हाईलाइटेड कलर करने में तो सब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हमने राइट एंड द इंसर्ट फील्ड के बारे में बता दिए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं प्रीव्यू रिजल्ट, अब इसको प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं एक एक करके, या फिर आप यहाँ से करके देखिए दो तीन लाएंगे तो दिखा रहा है एक का अलग दो का अलग, यहाँ पे एक एक करके। फाइन रिस्पेक्ट करनी है तो आप यहाँ से क्या खोजना चाहते हैं इसमें, टाइटल यहाँ पे टाइटल मारिए सर्च टाई लाइन फाइन टाइटल। तो यहाँ पे आपको टाइटल में खोजनी है कि किस में खोजनी है, जैसे जीप कोड है यहाँ पे दे रहा है ना, अब इसमें हमको खोजना है कहाँ है फाइन पिन कोड जीप कोड कितना था 84 54 जीरो वन, यहाँ पर फाइन करो भाई ऑल फील्ड यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब इसको फाइन करते हैं 51 01 आ गया इस वाला लाइन में। हाँ यहाँ इसमें आ गया उठ गया, दूगो था दूगो आ गया, वो राजकुमार आई वो रीमा कुमारी, दोनों में दिखा रहा है रीमा कुमारी आया, अब राजकुमार आया, दूगो है दुइयों को दिखाएगा, जय गो रहेगा जय गो आपको क्या होगा दिखाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिए हैं ऑटो चेक एरर को चेक करना है तो आप कंप्लीटेड चेक कर लीजिए क्या क्या आपका सिद्धिकरण है गलत है, यहाँ से कट कर दीजिए चेक करके। फाइन मर्ज करनी है तो आप प्रिंट डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं, करेंट करनी है तो करेंट फॉर्म कितना से कितना करना है तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आपको क्या हो गया मीनिंग ख़त्म हो गया। अब चलते हैं रिव्यू और रिव्यू बाद में कल तो रहने देते हैं इतना ही पे, और अभी के लिए जय हिंद।